नसारा के हाथ में है और फिर तवक्को रखते हैं आपके पीटीआई हमारा मसला हल करेगी, पीपल्स पार्टी हल करेगी। नो, ये एक ही है, ये कानून तो आपको सबको इन्होंने बता दिया, हमें मर जाना चाहिए। और दूसरा अजाब का सबब मैं बताता हूँ, ये जो आपकी सड़क में उतर के आया हूँ ये आज से 40 साल पहले बननी चाहिए थी हजरत। ये चोर डाकू लुटेरे हर 5 साल बाद आ जाते हैं, खोता हुआ होना खड़ा न होना, मतलब ये आ जाते हैं। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि हमारे ईमान खरीदते हैं, 5,000 गरीब लोग हैं बेचारे, दड़ीदार 5,000 10,000 लाख 50,000 भाइयों, ये हमारे जमीन खरीद रहे हैं। हमने अपनी नस्लों को ये पैगाम देना है कि हमारे बाप दादा कितने गयूर मुसलमान, कैसे उन्होंने जंगें लड़ी, कैसे आजादी कश्मीर के लिए उन्होंने अपने जान तन मन बाहर कर दिया, और हम इनके 5,000 लेके वोट दें। पॉलिसी का जैन शादी का एक अंदाज होता है ना, ये पानी देंगे ये टूटी देंगे। अच्छा, दूसरी अजाब की बात आपको बता रहा था कि हम ये समझे कि इनसे हमें खुशहाली मिलेगी, रब्बे काबा की कसम कभी नहीं मिलेगी, इसलिए कि जब मुसलमान अपने नबी की नामूस पे पैरा नहीं देता ना, तो फिर अल्लाह उस उम्मत पे मुख्तलिफ तरीकों से अजाब नाजल करते हैं, वो हमें पता भी नहीं चलता। औलाद की शक्ल में औलाद ना फरमान, हुक्मरान जालिम, बीवी रोज नाराज, रिश्तेदारों से कतई तल्खी, माशरे में पैसा है लेकिन एक दूसरे से बोगीना, सब है लेकिन एक दूसरे को बुरी नजर से देखना, इसकी वजह क्या है? जब मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम के नामूस पे पैरा नहीं देते, तो एक हदीस मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला ने जब लोगों ने कुरान शरीफ में सूरह यूसुफ में, जब यूसुफ अलैहि सलाम को बाजारे मिस्र में फरोख्त किया गया, तो रब की गैरत इतने जलाल में आई, फरोख्त किया गया, अल्लाह की खुफिया तदबीर थी, ये सब चीजें होना था, लेकिन रब की गैरत इतने जलाल में आ गई कि रब ने पूरे मिस्र में कैद नाजल कर दिया। अल्लाह ने उस वक्त तक कैद खत्म नहीं किया जब तक बूढ़ा बच्चा जवान माँ के पेट में बच्चे ने भी अल्लाह से माफी नहीं मांगी, अल्लाह ने माफ नहीं किया। और खातमुन नबियीन सरवरे कौनैन रहमतुल आलमीन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिही वसल्लम की शान में गुस्ता हुआ, और आप और हम सोचे हम खुशहाल होंगे, रब्बे काबा की कसम हमारी नस्लें भी कभी खुशहाल नहीं होंगी। साहबा अपने नबी की नामोज पे कट मिटते थे, इन्होंने हमें किस रास्ते पे लगाया है? अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में के रिजक के मामले में यहूद नसारा से ना डरो, और ये कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगी। भाई आप यूरोपीय यूनियन को जवाब दो, या अल्लाह का अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं कि रिजक के मामले में आप परेशान ना हो, यहूद नसारा से घबराओ नहीं, हमें ये कहते हैं यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगी। तहरीक लबैक के साथ 3 वायदे किए इन्होंने, आप सबको पता है ना, सबको पता है 3 वायदे किए। दहशत गर्दों से वायदा होता है भाई, दहशत गर्दों से कभी सुना है कोई वायदा हुआ है? 3 वायदे करके मुनाफिक की नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, 3 निशानियां हैं, वादा करता है खिलाफ बात करता है, झूठ बोलता है, अमानत लेता है खयानत करता है। इस मुनाफिक आजम ने कौन सी बात सही की? टोटल इसमें मुनाफिक झूठ, इसकी खबी साइड पे सजी साइड पे कादियानी, खबी साइड पे कादियानी। खुदा की कसम हमारे दीन को ऐसे इधर पाकिस्तान में हमारे सिस्टम को ऐसे सीख लगाई हुई है कादियानियों ने, हिलने ही नहीं दे रहे हम मुसलमानों को, हम कब गैरतमंद बनेंगे? सारी जिंदगी हम नारे लगाते हैं गुलामी या रसूल में मौत भी कबूल है, और वोट देने के लिए हम इन, ये सब एक है, सब ये जो कानून इन्होंने बताया कि आपकी मेरी माँ बहन बीवी बेटी सरेआम किसी गैर महरम के साथ जा रही है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम अगर थाने में जाएंगे हमारे खिलाफ एफआईआर होगी। ये मदीने की रियासत है, ऐसा होता था मदीने में? ये मरने का मुकाम है हजरत। मैंने आपको बेसिक रीजन बताई कि खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को पूरा आलम कुफर, पूरा ये कादियानियत ने खरीदने की आखिरी कोशिश की, अरबों खरबों डॉलर की पेशकश की, तो हमारे अल्लामा साहब की जूती की जो धूल लगती है वो नहीं खरीद सके।
इधर हमें कुछ लोग कहते हैं जी आप बैठ जाएंगे, मैंने कहा हम खड़े क्या हुए थे, हम तो बैठे आपकी जोड़ों में बैठेंगे इंशाल्लाह, बैठ रहे हैं हम तो आपने, हमने तो आपके जोड़ों में बैठ के जाना, बिल्कुल बैठेंगे। बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि भिगे हैं, आपको भी मैं इंशाल्लाह सारे एक तरफ मजे लाओगे इंशाल्लाह, आपको भी कोई कहे कि आपको कितने पैसे मिले हैं उसको यही बात बोले हमने बाजार मुस्तफा में अपना सौदा कर लिया। क्या कहना है, कितने पैसे बिकी आरोप से बाजार मुस्तफा अपनी कीमत लगाई छोड़ी। दूसरी गल खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह इस दौर ने मुजद्दद गुजरे, उन्होंने जेड़ा कारकन है ना अदना गुलाम, इसनी जुत्ती नहीं, इसनी जुत्ती कोई नहीं खरीद सकना, इसकी खरीदना तो बड़ी दूर की गल है। हमने ये शक्लें नबी अलैहि सलाम को चेहरे नबी अलैहि सलाम को दिखानी है, ना कि इन जालिमों को दिखानी है। सब लोग कब्र के करीब है, कोई तमीज नहीं है, ये सोचे कि 20 साल और जीना है, 30 साल मरना है, कब्र बुला रही है। आप अटाले वालों के पास में आ गया हूँ आपको पैगाम देने के लिए, रोजे महशर बारगाह रिसालत में आप में से जो मुझे सुन रहा है, जो मेरी बहनें सुन रही हैं, कोई रसूलुल्लाह की बारगाह में ये नहीं कह सकता कि ये नबी अलैहिस्सलाम ये आपका गुलाम हमारे पास नहीं आया था। मैं कहूंगा या रसूलुल्लाह इसमें तो ऐसे आशिक मैंने देखे हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक लब्बैक या रसूलुल्लाह लगाते थे, ऐसे आशिक। और इनके साथ जो लोग थे मैंने उन सबको बताया है कि नबी अलैहिस्सलाम की नामोश कायनात का सबसे बड़ा मुसलमान का फरीजा है कि उस पर पहरा दे। इमाम मालिक फरमाते हैं जो आप उम्मत नबी के नाम पे पहरा नहीं दे सकती, नामोश पे पहरा नहीं दे सकती, वो मर जाए, हरक हो जाए, तबाह हो जाए, उसको जीने तक कोई हक नहीं आता। आप और हम नमाजें पढ़ के रोजे रख के हज सदका करके कहते हैं कि दीन का काम कर लिया, नहीं भाइयों ये हुक्म है, ये हम अपनी मजबूरी के लिए पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि रब का हुक्म है, नमाज ना पढ़ी तो अजाब होगा, हज ना किया तो अजाब होगा, जकात ना दी तो अल्लाह ताला पूछेगा, रब को इन चीजों की हाजत नहीं है, रब को रब गफूर रहीम है, उसको किसी चीज की हाजत नहीं है। हम ये चीजें करके सुन्नत रसूल रख के अपने मस्जिद जाना जाना बड़े फिट से नहीं, ये भी करें हुक्म अल्लाह का, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की नामोस बहुत बड़ा मसला है, अपने जान माल बीवी बच्चे पूरी कायनात से बढ़कर जिसको नबी से मोहब्बत नहीं है उसका ईमान का अमल नहीं है। तो हमें ये कब कब कैसे सुधरेंगे, हम हमारी रोज फ्रांस खाके बुला रहे और सरकारी सतह पर टीवी लगाए हुए हैं उसने। आप अल्लाह पे यकीन करें कि मैं रात को रोता था जब हाके बनते थे तो मुझे रोता, मैंने कहा यार रसूलुल्लाह कमजोर है क्या करें, तो यकीन करें शायद वही साकी साहब मेरा रोना रसूलुल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है, मैं बैठ के अकेला रोता था, मैंने कहा यार रसूलुल्लाह क्या करें, हमारे बस में ही कुछ नहीं है, ये सब ये हुक्मरान हमारे जालिम मजम्मत करते हैं। इस्लामी फोबिया पे जितना काम मैंने किया इतना किसी ने नहीं किया, गालियां 500 देता है, सबसे बड़ा दहशतगर्द तो जो जलील आजम है, बिल लोगों को आग लगा रहा है, 126 दिन धरने दे के हमारी बच्चियों को नचा रहा है, आज मैं लोर बंद करूंगा, कल मैं पिशौर बंद करूंगा, परसों में उसको आग लगाऊंगा, तरसों में उसको आग लगाऊंगा, उससे बड़ा दहशतगर्द कौन है भाई, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, वो तो एक आशिक रसूल थे, 2.25 करोड़ लोग उनके जनाजे में शरीक हुए, हर किसी मकतबाई फिक्र से था, वो देवबंदी भाभी अहले हदीस किसी उसका ख्वाहिश थी कि मैं भी चला जाऊं मेरी भी बख्शिश हो जाए। उनकी जिंदगी देखें, उनका हाल देखें, उनकी मौत देखें, इनकी जिंदगियां देखें, इनका हाल देखें, इनकी मौतें देखें, आप सब लोग रोजे मैशर पीपल्स पार्टी ने हमारे प्राप्त बैठे ने सारे आशिक रसूल दिया, मेरा फतवा नहीं है किसी का, जिसने मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह की फांसी का आर्डर जारी किया था, दस्तखत किए थे जिसने, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बचाएं, पीटीआई वाले रोजे मैशर एस पीटीआई ने क्यादत नाल केड़े केड़े उठने पसंद कर ले, हाथ खड़ा करें। अच्छा पीटीआई खैर कोई बल नहीं, पीपल्स पार्टी ने की आदत नाल केड़े केड़े हाथ खड़ा करें, कोई है नून लीग की आदत नाल
कोई है रोजे मैशर जो इनके साथ खड़ा हो, ये सच्चे थे। दुनिया में रब फरमाता है तुम जिसके साथ प्यार करते हो रोजे मैशर तुम्हारा हशर उसी के साथ होगा। तो हम वोट इनको देते हैं तो प्यार तो इनसे करते हैं ना, और कौन खड़ा होगा नबी अलैहिस्सलाम की नामोश पे पहरा देने वाला अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा खादिम हसन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, मैं खड़ा हूँ उनके साथ क़यामत अल दीन। कायनात का सबसे बड़ा सच जो आप मान रहे हैं कि ये झूठे हैं। ओ भाई मैं ये सोच रहा हूँ आजकल हमारे जमीर इतने बिक गए हैं कि एक पैसे वाली पार्टी आई है, हमारे बड़े बड़े तगड़े मलदियाल बड़े जनाब जुबे कुबे पीर दरबारी मुल्ले, ये नबी अलैहिस्सलाम के दौर से मौजूद है। ये दरबारी मुल्ले आप नहीं सोचिएगा ये इस दौर में, ये हर दौर में मौजूद होते हैं। सारी जिंदगी रसूलुल्लाह के नाम पे खाते रहते हैं, जब वक्त आता है नबी अलैहिस्सलाम की नामोज पे पहरा देने वाला ये दरबारों में जाके उनके दरवाजों पे गिर जाते हैं, बिलों में छुप जाते हैं। और जालिमो पूरी जिंदगी मिम्बरे रसूल पर रसूलुल्लाह ने नाव पर खाने हो, जब पहरा देने का टाइम आना तुम दरबारी इन्हें बादशाह ने दरबार दरवाजे ऊपर दिखने हो हार बाबा ने शर्म करो। हमने हमारी तहरीक लबैक का दौर आएगा इंशाल्लाह, इनको ले आएंगे अपने बरगलाए हुए, इनको बताएंगे कि असल ये है, इनको अपनी शागिर्दी में ले चलेंगे। ये जो दरबारी मुल्ले हैं इनके बारे में आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इनको हम अपनी शागिर्दी में लेंगे इंशाल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कियामत में अगर मान गया। कियामत वाले दिन तो सारे मनसन्ना बड़े बड़े अंबिया इकराम अल्लाह ताला के नबी नफसा नफसी ना आलम अजी उत्थे सारे मनसन इस गलों तुसा कि मैं दसना कि तुसा करैन की वोट दियो नबी अलैहिस्सलाम ना दीन तख्त पर सी ऐसा तरह अटाले सड़े लोग ले देसी अंदाज ना टूटियां भी लाई देले खम्मे भी देले सड़कां भी देले तुसे क्या इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होने लगी। फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में तो ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, ये हमें बता रहे हैं कि नहीं जी पढ़ा लिखा बड़ा जितना टाप ना झूठा जितना टाप ना फ्राडिया इतना बड़ा लीडर, यानी ये कौन सी लाजिक है भाई, ये भी हमें बताओ इस्लाम में ये कौन सी लाजिक है। नहीं जी तो बड़ा आशिक रसूल नहीं है, कुत्ते को लेटाया ला मदीने के नाम पे तो उसने मुसलमानों को कैश किया है। मैं भी 2.5 साल था सोल्जर है, मैं इसके कम नहीं कर रहे थे, बेचारा बहुत अच्छा आदमी था बहुत फेयर था झूठा। आज ये पोजीशन हमारे दरबारी मुल्ला जाके हार दरबार है बस्ती वाले आज, और आप ये सोचे कि पैसे का इतना जोर है कि हमारे ईमान खरीद रहा है एक आदमी, वो भी उससे भी पूछोगी ये याद रखिएगा, जो हमारी सादा लो आवाम के ईमान खरीद रहा है उसको भी राग पकड़ेगा। आज हमारी ये पोजीशन हो गई है कि हम उनके घर पे हाथ डलवा रहे हैं बस्ती वाले, दसों कदर जिंदगी ऐसा पार्ट उसने देखा ईमान ना पाओ यानी पैसे का जोर। फिर हम बनते हैं गैरतमंद गाजियों की सरजमीन शहीदों की सरजमीन, और हमारे ईमान ये कह रहे हैं उन गाजियों की औलाद जाके लोगों के घर हाथ धुलवाए इन पालशियों की वजह से दरबारी बुल्लों की वजह से। कल तो दजाल ने बहुत फितना डालना है, दजाल ने तो अल्लाह ने उसको इतनी ताकत दी होगी कि वो तो बारिशें बरसाएगा पानी देगा बंदे जिंदा करेगा पैसे देगा लेगा। आप सोचे कि आज हम ये कर रहे हैं हम अपनी नस्लों को दजाल के हवाले करके जाएंगे, आज अब अगर हम जो कर रहे हैं तो हमारी औलादे तो हमसे सीखेगी ना कि हर 5 साल बाद अब्बा चेंज कर रहा हूँ पार्टी, लोगों ने कह जी हार बाबा ना हमारी नस्लों में ट्रांसफर हो रही है ना, तो हम ये पैगाम दे के जाएंगे बच्चों को खुदा की कसम औलाद बद्दुआएं देगी गालियां देगी कि कैसे लोग थे ये, किधर से आएंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, किधर से आएंगे हजरत खालिद बिन वलीद। आप सब लोगों ने मरना कब्र में रसूलुल्लाह को चेहरा दिखाना, रसूलुल्लाह ने चेहरा अनवर फेर लिया खुदा की कसम हलाकत हो जाएगी तबाह हो जाएंगे ये कुछ नहीं देंगे, ये हेलीकॉप्टर पे आ रहे हैं इसी तरह वापस चले जाएंगे ये छब्बीस के बाद। आप देखिएगा कि जो मदीने की रियासत वाले ने झूठे दावे किए थे एक वादा इसने पूरा कर लिया, बात कीजिएगा इसके तो पड़ोस में लोग भूखे होंगे तो वो बस्ती को पैरिस बनाने आया है
भाई तुम 3 अरब लगा लो, अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया, अल्लाह और दे, सिर्फ 3 अरब बस्ती में लगा लो, आपकी सड़कें, ये पानी आपके घरों में आ जाए, ये घर बैठ के सीट जीते, हमारी स्टेब्लिशमेंट को पैसे देके टिकट खरीदने वाले ये आपको इंसाफ देंगे, हमारी नारवा बलादरी, नारवे माड़ा सिराला ताज हो सारे, खुदा की कसम मैं नारमो से बहुत मोहब्बत करता हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, मैं उधर भी जाता हूँ काबिल कर, उनको भी बोलता हूँ कि जो आपको इंसाफ नहीं दे सका, 10 साल आप उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और एक पैसे वाला आता है जबरदस्ती टिकट लेके चला जाता है, आपको क्या इंसाफ देगा, देगा ऐसे लोगों के साथ। भुट्टो का कश्मीर का जो बात है, ये भुट्टो, भुट्टो साहब का, वो भुट्टो अजीम लीडर था, उसने हमें आईने पाकिस्तान दिया, इन कादियानिया मुर्तद को उसने गैर मुस्लिम अकलीती करार दिया, ये जो लड़का है ये कह रहा है 1000 साल तक कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे, वजह भाई तुम्हारे बाप का कश्मीर है, हम तो इसको फुल फेयर हल चाहते हैं, कश्मीरी माँ बहन भाई हमारे रोज इंतजार कर रहे हैं कब आना है इन्होंने, तुम्हारे नाना ने कोई शिमला मायदे में कोई बड़ी डील तो नहीं की है, तो जो 1000 साल तक हम देखते रहे, और इसने मदीने की रियासत अले ने हमारे कश्मीर को दीवानी केस में डाल दिया, हम सारी जिंदगी केस लड़ते रहो, हम जा रहे हैं जी बात करेंगे कश्मीर जात से आजाद, और कोई कश्मीर, ये मोदी ढांग का पेशाब पीने वाले, ये हमें कश्मीर प्लेट में डाल के देंगे, हम तो माओ का दूध पीने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनसे जात कर दिया, हम इंशाल्लाह कश्मीर लेंगे, हम लेके रहेंगे, ये वादा हमारा, मोदी सुन लो, हम लेके रहेंगे बुरहान के सदके, हम लेके रहेंगे ये आजादियां, आप ये देखें हमारे नसाबों से इन्होंने खातम अल नबीयीन का लफ्ज निकालना शुरू कर दिया है, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में खातम अल नबीयीन का लफ्ज निकल रहा है, उसी पे हमने धरना दिया था, इसका वजीर हमने बरतरफ करवाया था, शायद वो गायब हो गया, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम मुफे वतन नहीं है, हमारे बाप दादा ने कुर्बानियां दी हैं, हमसे बड़ा मुफे वतन कौन है, हमारे बुजुर्गों ने पीर जमात अली शाह साहब, अब्दस्तार न्याजी साहब, शाह अहमद नूरानी साहब, हम तो इनको मानने वाले हैं, इसलिए जो जिससे प्यार करता है रोजे मैचर उसी के साथ ठहरोगा, आपने 25 तारीख को क्रेन पे मोर लगा के नबी अलैहि सलाम के दीन को तख्त पे लाने के लिए हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह, स्टेशन विन देने आने वाले हो इंशाल्लाह, विन दे सो, और याद रखो सबसे पहले रिसालत ही पेश होने रोजे महशर के, यार रसूलुल्लाह मैं भी खुश करी याद हूँ सारे साथी, मैं उन नाम नहीं ले सकता खड़े, खुदा की कसम आपको बोलोगे, मेरा मेरा गालब गमान है कि आप सब बारगाह रिसालत में कबूल हो गए, आपके साथ जो ऐसे भी बैठा है ना इंशाल्लाह वो भी कबूल हो गए, हमारा भाई है वो भी, हमारा इधर कोई एजाज है, ये मेरे पास 3-4 दिन रहा है एजाज भाई, मैं कहता हूँ मैं तो मैं मेरे इस एजाज की कोई जूती नहीं खरीद सकता, मुझे इस पे मेरा क्या तल्लक है, इसका क्या तल्लक था, मैं तो नहीं जानता था, मुझे इतना गालब गमान है कि इसकी जूती कोई नहीं खरीद सकता, किस कोई पूछे अटाले अले तो आए उसे बाजारे मुस्तफा कितने में छोड़ा, कितने ना बेचा बाजारे मुस्तफा, पर उसकी ये जवाब दे, उसको जवाब कोई नहीं, छड़िया गल अगर नहीं बोल सकना कोई, सब ठीक है जी तू सही आ रहे, बिल्कुल सही है ना, लेकिन उसने मोर ले नहीं घोड़ी लगी है, दिला जंग लाए ना 70 साल ना जंग टूटने टाइम लगसी इंशाल्लाह, तोड़ने आस अपनिया पैरनी मावरी की कर सोना करी बैठाने जाने आस ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, बिलावल हमायत करता है, ये बिल्कुल सही है, ये प्री प्लेन अगर हमने अपने जहन ना चेंज किया हजरत तो 10 साल बाद हमारी माए बहने हमारी कंट्रोल में नहीं रहेंगी, एनजीओ इसराइल यूरोपी यूनियन ने मुख्तलिफ एनजीओ हमारे कश्मीर में और पाकिस्तान में दाखिल कर दी है कि एक एक लड़की को ले आओ डॉलर देते हैं, पहली लड़की को हमारी हम कहते हैं बड़ी पढ़ी लिखी डॉलर दे रही है, आस्ता आस्ता वो 20 लड़कियां ले जाएगी, सब तीर ही पहने वाले हैं, अल्लाह गुजारी माँ पे गड्ढे की ना दस है, हम सब गैरतमंद लोग हैं, तो इनके हाथों नहीं चढ़ना है, आपने क्रेन को मोर लगानी है, ये भी कभी नहीं सोचना कि हम हारे वोट दी ये हार जाएंगे, ये नहीं अशर को होगा मालूम जीता कौन और हारा कौन, अखी बंद होने देर है,
अपनी बारगाह कबूल फरमाई छोड़ा या अल्लाह जेड़ा जेड़ा भी तहरीक लबैक ना सपोर्टर भावे रावला कोट ना दा भावे बाग ना दा जिथे जिथे सपोर्ट करती या अल्लाह उसकी उस वक्त तक ना मारिया जल तक उसके कलमा नसीब कर छोड़े या अल्लाह उसके उस टाइम तक ना मारे जेड़ा एक बंदा दस दस वोटर मिला सी उसके भी उस टाइम तक ना मारिया जब तक नबी अलैहि सलाम ना दीदार ना कराई होने या अल्लाह जेड़ा जेड़ा यजीद दुए हल्के जी काम करती उसके उस टाइम तक ना मारे जो तक मदीना शरीफ ना दाखिल होने आशिक को लगता दुआई लगी है झूठ तो सवाल ही नहीं पैदा होना बिल्कुल झूठ नहीं सच सच तो इंशाल्लाह में यकीन है कि 5 तारीख की क्रैन पर मरा ठका ठक आयो क्रैन ते मरा क्रैन ते मरा क्रैन ते मरा इंशाल्लाह सारे बड़े भरा बैठे थे किसी ने दिल आजारी में मादरत बाबी दस कियादत मैं भी सारा 23 साल तक इस मदीने नहीं रियासत आ लेकिन मैं ए मदीना आया ए आया ए आया झूठ कुछ भी नहीं तबाही की थी कादियानी यानी बाहर ने इसका छेद पता है लहना वजीर केड़ा एक केड़ा कोई पता नहीं रोज कानून चेंज होने फिर आना अभी घबराना नहीं है आ रहे मारी दा छोड़ सही है यानी ये पढ़ा लिखा है जी पढ़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या पढ़ा लिखा है हमें दीन के लोग चाहिए एक मौलवी से बड़ा आलम सियासतदान कोई नहीं हो सकता अच्छा जो सही लकीदा अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला है जिसके दिल में नबी अलैहि सलाम अल्लाह का कुरान है नबी अलैहि सलाम की हदीस है उससे बड़ा आलम कौन हो सकता है कोई ये हमारी नस्लों को बेवकूफ बना रहे हैं रहमान मलक देखें कुल अल्लाह नहीं आ रही है इत्तेहाद हसन देखें बड़े वकील हैं लानत भेजते हैं हम ऐसे वकीलों को ऐसे मिनिस्टरों को जिसको हमारे नबी का कलमा ना आता और हमारी असेंबली में बैठे तो इंशाल्लाह साथ देंगे 25 तारीख को क्रेन पे मोरे और दूसरा नंबर रात को लेट के जो मेरे दूसरे भाई हैं सोच लेना मैंने इधर थोड़ी खुली डुली गप की ऐसे मैंने कभी की नहीं है मुझे इन्होंने बहुत जज्बाती कर दी है आज बहुत मेरा कलेजा ठंडा कर दिया मैं फर्दन फर्दन सारे ना शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं तो कुछ नहीं दे सकता कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी और इसना अजर इंशाल्लाह तुझे कह रोजे मैशर भी लफसी कियामत अले दिन भी लफ्ज आया कब्र च लफ्ज आया बा खुदा दुनिया उभरी लफ्ज 6 तारीख तो बाद तुझे शुहड़िया जिंदगी तकदीर ना चाहे चो या फकीर ना गला कोड़ा हटा ले आलो इंशाल्लाह तू साडे मामलात हल हो जाले और भी जड़ा पीटीआई ना पीपल्स पार्टी ना साडा भरा आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे कियामत में अगर मान गया कियामती वाले दिन मनसो खुदा की कसम अस गवाही दसा या रसूल अल्लाह में इन सारे बल ज्ञान से दसिया इन्हें की कि आशे की सब कुछ भी नहीं चाहिए ना भूखा मारो लेकिन नबी अलैहि सलाम ना दीन तक तो पुराना निजामे मुस्तफा नावज करो नारा लाओ मेरा खड़े हो पता लगा टाले ने सर जमीन ऊपर जवान जड़े और टिप टिप के लायो ताज नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताज नारे खत्म नबूवत ताज नारे खत्म नबूवत हमारा दुनिया में आने का एक मकसद है हम नमाजें पढ़कर रोजे रखकर हज करकर ज़कात देकर हम अपना मकसद पूरा कर लेते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा हो गया ये सिर्फ 10% है हमने जिस नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा उसकी नामोश के लिए आप जितने जवान मुझे सुन रहे हैं आपने और मैंने क्या किया रोज कुफर मेरे आका सरवरे कौनैन खातमुन नबीजीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के खाके बनाता है और हम
कुछ नहीं कर सकते बेबस हैं। नबी अलैहि सलाम की हदीस है जिसका मफहूम कि क़यामत तक कोई मेरी गुस्ताही करे मन सब्बा नबीयन फक्तुलहू, काट के रख दो उसको। आप और हम ये सोचे कि 70 सालों से ये लोग हम पे मुसल्लत हैं। मैं आपको अपना तारफ करवाऊं कि अगर कोई जैला है तो मुझसे बड़ा जैला कोई नहीं होगा, आखिरी जैला रहा हूं मैं। खुदा की कसम, कब्र में हमने रसूलुल्लाह को चेहरा दिखाना है। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि तुम तो खेले खेलते थे, झूठों के साथ चलते थे, पूरी कायनात में मेरे खाके बन रहे थे, तुमने क्या किया? तुम बारगाह रिसालत पे क्या शक्ल दिखाएंगे? मैं आपके पास आया हूँ आपको पैगाम देने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर मुझे चुन लिया, मेरी जवानी चुन ली, तो मैं सादत समझता हूँ। सारी जिंदगी झूठे नारे लगाता रहा मैं, झूठों के साथ रहा मैं। अभी मुझे रब्बुल इज्जत ने नामों से रिसालत के लिए अगर चुना है तो मैं बस्ती हल्के के एक एक घर में जाऊंगा, एक एक मुसलमान भाई को बताऊंगा कि पूरा कुफर हाल में कुफर नबी अलैहिस्सलाम के खाके बना रहा है। और ये हमारे हुक्मरान डरते हैं यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगी, कुफर नाराज हो जाएगा। रब पे भरोसा ही नहीं है। कुरान में रब का फरिश्ता फरमाता है कि यहूदियों से कुफर से रिजत के मामले में ना डरो, रिजत गमत होता है। और ये हमें झूठ पे गुजारे यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगी। दूसरी, हम मुसलमान है, कलमा हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है, अल्लाह को मान रहे हैं। 70 सालों से हम यही कह रहे हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और अभी हमारे पास वक्त आ गया है, तहरीक लबैक खादिम हसन रिज़वी अमीर है, तहरीक लबैक कांगू से लूले लंगे पूरा में कुफर उन्होंने हिला दिया। नामों से रसालत पर किसी से कंप्रोमाइज नहीं किया। आज भी हमारी पार्टी पाकिस्तान की तीसरे नंबर का वोट बैंक रखती है। आज हम रेजिस्ट्रेट कर ले दरबार मुल्लू का रोल कर ले, आप हमें सेनेट में देखे, असेंबली में देखे, लेकिन वो जिंदगी किस काम की जो नबी अलैहिस्सलाम के नाम पे ना मर मिटे। हमारी माओ बहनों के बेटियों के खाके को मिला के बाघ हैदरी चौक में लगाए, हम क्या करेंगे? सर फाड़ देंगे उसका। हमारे सरवर कौन रहमतुल आलमीन के रोज खाके बन रहे हैं। हर मुसलमान अपने दिल से सोचे कि हमने क्या किया। रोजे में शर्मिंदगी, मैं बारगाह रिसालत में जब आप सब जवान पेश होंगे, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज फरमाऊंगा, या रसूलुल्लाह, ये मेरे वाले फुरके वाले खूबसूरत तीन जवान, बेहतरीन जवानियां थी इनकी, मैं इनके पास आपके नाम के लिए गया हुआ था और मैंने बताया पूरा कुफर आपके नामोस पे खाके बना रहा है, गुस्ताखियां कर रहा है। और मैंने इनको पैगाम दिया है, खुदा की कसम मैशर की बेशर्मी शर्मिंदगी हमें तबाह और बर्बाद कर देगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बेलोस की आदत आई है, जब 25 तारीख को वोट देंगे दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, ये टूटी खम्बे सड़कें नौकरियां ना 70 सालों में पूरी हुई है ना अगले 70 में होंगी। ये जो पालसी हमारे मल्ले के आज भी ट्रेन पे विको पे घूम रहे हैं, ये आप लोगों का खा जाते हैं। सारे का सारा टूटी खम्बा सड़क नौकरी ये दीन में मौजूद है। हजरत नबी अलैहिस्सलाम का दीन जिस दिन तख्त पे आएगा, हजरत उमर के दौर का एक्स दोबारा आएगा, ये सब चीजें आपकी दिलीजों पर मिलेगी। आपको जरूरत नहीं होगी मानने की। हर 5 साल बाद हमें बेवकूफ बना लेते हैं ये, हर 5 साल बाद चेहरे चेहरे के जा लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है लीडर बनने की, खुदा की कसम मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये जिंदगी कल कब्र में जाऊंगा, 10 साल बाद कब्र में जाऊंगा, रसूलुल्लाह को ये टेढ़े मुंह दिखाऊंगा कि यार रसूलुल्लाह मैंने क्या किया। खुदा की कसम दिल रोता है,
कुफर इधर आसियम मालूम है गुस्ताखा, उसको मदीने की रियासत वाला बड़ा इज्जत भरी कर रहा है और फ्रांस भेज रहा है, फ्रांस का वज़ीरे आज़म उसको प्रोटोकॉल दे रहा है। 5 दिन पहले उसने ऐसा कानून पास किया, आपकी मेरी माँ बहन बेटी सरेआम किसी घर में उनके साथ जाएगी, आप पर मैं कुछ नहीं कर सकते, ये मदीना की रियासत है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़ा लीडर था वो, आप बताएं उसकी पार्टी उसके नजरिए पे है, दिल पे हाथ रख के बताएं, जो जो जरदारी के साथ रोजे मैसर उठना चाहते हैं वो हाथ खड़े करें, जो जो नवाज शरीफ के साथ उठना चाहते हैं वो हाथ खड़े करें, जो जो इमरान खान के साथ उठने वाले वो हाथ खड़े करें। मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, मैं खादिम मुजाहिदीन के साथ बारगाह रिसालत पे रोजे मैसर उठूंगा। मैं आपको की कसम ये बोर्ड की पर्ची कुफर के अमान लाती है, यूरोपियन यूनियन मॉनिटरिंग करती है, देखती है कि इधर मेरे में भी हस्के रसूल है, खाली दावे नहीं करेंगे, इंशाल्लाह आप हमारा साथ देंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वमा अलैना इल्ला बला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے انتہائی قابل احترام مرکزی قائدین، سٹیج پہ بیٹھے بزرگ، سامنے میرے سامنے بزرگ اور دوست اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین، مجمع تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہے، مجمع جنے ہونے چاہیے، آپ سارے جنے الحمدللہ چنے ہوئے لوگ ہیں، تو اللہ رب العزت کا کروڑوں کروڑ شکر ہے کہ کسی کو کسی پارٹی کا ٹکٹ ملتا ہے، کسی کو کسی کا، تو ہم الحمدللہ خوش نصیب ہیں، ہمیں محمد عربی کی پارٹی کا ٹکٹ ملا ہے، اور کسی کی دوڑ غازی آباد تک، کسی کی لاڑکانہ، کسی کی بنی گالا، اور کسی کی رائے گڑھ، ہمارے دوڑے الحمدللہ مدینہ شریف تھا. تو آپ سب لوگ ہمارے منشور پڑھے، 20 زکاتی منشور ہے. میں پیغام آپ کو یہ دینے چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم بھی یہاں سے ہی ہیں، انہی لوگوں کی طرح ہے، لیکن ہماری چون بازار مصطفیٰ میں ہو چکی ہے، ان کی چون تو لڑکانے میں ہوتی ہے، کسی کی بنی گالا میں، ہماری چون انشاءاللہ بازار مصطفیٰ میں ہوئی ہے. تو ہم اس وقت تک نہیں سدھریں گے، آپ ذہن میں رکھیں، 70-72 سالوں سے ٹوٹی کھما سڑک اسی چکر میں ہی ہمیں گھما رہے ہیں، مداری ہیں یہ سارے، نارمائزم، مندیال، سدھم، یعنی بلادیوں میں بٹے، انہوں نے ہمیں بٹا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کا دال دلیا نہیں چلتا ہے، ان کا دال دلیا اگر ہمیں بلادیوں میں نہ بٹے نا تو ان کی روٹی پانی بند ہو جاتا ہے. تو ہم سارے نبی علیہ السلام کی امتی ہیں الحمدللہ، اور نبی علیہ السلام کی ناموس پہ ہم سب لوگوں نے، مسلمانوں نے پہرا دینا ہے. ہم یہ سوچیں کہ ہمیں یہ ٹوٹی کھمے سڑکیں مل جائیں، ہم پہ عذاب ٹل جائیں گے، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رب ذوالجلال اپنے انبیاء کرام کے معاملے میں اتنا غیرت مند ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں فروخت کیا گیا، تو رب ذوالجلال کی غیرت اتنے جلال میں آ گئی کہ پورے مصر میں قید نازل کر دیا. اس وقت تک رب نے قید نہیں ختم کیا جب تک بوڑھا بچہ جوان ماں کے پیٹ میں بچے نے بھی رب سے معافی نہیں مانگی، اللہ نے معاف نہیں کیا. تو سرور کونین، خاتم النبیین، رحمت العالمین، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، اور آپ لوگ سوچیں کہ آپ خوشحال ہوں گے، رب کعبہ کی قسم آپ کی نسلیں بھی کبھی خوشحال نہیں ہوگی. جس دور میں مسلمان نبی علیہ السلام کی ناموس پہ پہرا نہیں دیتا، امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ مر جائے، تباہ ہو جائے، غرق ہو جائے، اور ہم ٹوٹیوں کھمیوں کے چکر میں. صحابہ تو اپنے نبی کی ناموس پہ اپنی گردنیں کٹاتے تھے، کاٹ دیتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت تک کوئی میری شان میں گستاخی کرے، من سبا نبیین فقتلو، کاٹ کے رکھ دو اس کو. آپ اور ہم نمازیں روزے پڑھ کے، رکھ کے، قرآن پڑھ کے، عبادت کر کے، بے شک ضروری ہے، حکم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے
अपना काम दीन का पूरा कर लिया। नहीं भाइयों, जिस नबी अरबी मोहम्मद जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, उनकी नामूस कायनात का सबसे बड़ा फरीजा है मुसलमान का कि उस पे पहरा दे। और ये जो आप ये भी सोच रहे होंगे तुम इधर कि ये दरबारी मुल्ले हैं, ये नबी अलैहि सलाम के दौर से मौजूद है, इन पे परेशानी नहीं लें, ये हर दौर में दरबार पे होते हैं। हमारी तहरीक लंबाई का दौर आएगा इंशाल्लाह, इनको लेकर चलेंगे लेकिन शागिर्दी में अपने ही है, लेकिन दरबारी इनको सिखाएंगे कि सारी जिंदगी मिंबरे रसूल पे रसूलुल्लाह के नाम पे खाते रहे। जब पहरा देने का टाइम आया जालिमों, लोगों के घरों में जाके हाथ दबा रहे हो, शर्म से मरो, डूब के मरो, तुम पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह के नाम पे खा रहे हो। और जब नबी अलैहिस्सलाम की नामूस पे पहरा देने का वक्त आया, हमारे अल्लामा अमीरुल मुजाहिदीन हाजी हसन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह टांगों से माजूर, अरबों रुपए की पेशकश करने वाले खबीस मौजूद थे, लेकिन बाबा जी ने नबी अलैहिस्सलाम की नामोज पे कंप्रोमाइज नहीं की। आज हम कंप्रोमाइज कर लें, ये जो दीनी जमात है उनके हवाले से मैं बता देता हूँ, यही हमारे नाम पे दबा है, मौलवियों को बदनाम किया हुआ है। एक मौलवी से बड़ा सियासतदान कौन हो सकता है जो रब्बे जुलजलाल का कुरान जानता है, आका अलैहिस्सलाम की सारी हदीस जानता है, ईमान से बोलो उससे बड़ा सियासतदान कोई हो सकता है? वो सही दरबारी ना हो, वो आशिक़े रसूल। तो ये जो मुल्ला है इनका पार्ट तो अलग है, इनको हमारे साथ नहीं मिला है, बिल्कुल लबैक है खालस, और हम आज इनके साथ कंप्रोमाइज करें। आप हमें सेनेट में भी देखें, असेंबली में देखें, ये जो हमारे दीनी मुल्ला दूसरी दीनी जमात है उनसे भी हमें ना मिला है, वो तो कजाब है। तो बांग्लादेश में उनकी जमात है, हिंदुस्तान में जमात है, पाकिस्तान में जमात है, लेकिन जलील और रुस्वा इसलिए हो रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की नामोज का नाम लेके, दीन का नाम लेके खा वो अपना पेट पार रहे हैं, काटे मोटे किए हुए हैं, उनका हमारा साथ कोई तल्लक नहीं है। अलबत्ता हमारे साथ अगर वो चलते हैं हमारी इस काज पे, नामोस रसालत पे हमारे सर का ताज है, अदरवाइज हम दरबारी मुल्ले ना है, ना हमारी क्यादत थी, ना हमारी नस्लों में इंशाल्लाह कोई रहेगा। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने कब्र में आना है मेरे मुसलमान भाइयों, खुदा की कसम किसी पीपल्स पार्टी मुझसे बड़ा जाला कोई नहीं है, मैं बहुत बड़ा जाला था, अगर कोई जाला गिरी दिखाता है मैं भी आखिरी जाला रहा हूँ। हमारे प्लस प्लेटफॉर्म नहीं था, सब झूठ। आप एक दिन मेरे साथ कंप्लेन को चले, रात को आपको बेहतरीन नींद आएगी सोएंगे वजह से कि पूरा दिन इसने झूठ नहीं बोला, टोटल नबी अलैहिस्सलाम की नामूस पे बातें की, सहाबा के चर्चे किए, अल्लाह का जिक्र किया। इनके साथ तो बीस बीस पॉलिसी चलते हैं, वीगो में चलते हैं, जिस करोड़ की वीगो पे जो चलता है आजकल पॉलिसी, ऐसे टाटे मारता जा रहा है वो आपको ठाक देगा, ये आप ये पॉलिसी खा जाते हैं, इनको ढूंढे अपने माचरे से कला कमा करे चढ़ तेरी कौन हो तुम भाई, वोट हम रसूलुल्लाह के नाम पे देंगे, रसूलुल्लाह के दीन के नाम पे देंगे। इस दफा आप करें, ये नौ क्यामत के दिन आप परेशान हो सब, हम सब अल्लामा साहब ने बताया, मुझे अल्लाह को हाजिर हाजिर जान के बताए कि हम सब ने कब्र में जाना है, रसूलुल्लाह को चेहरा दिखाना है, रसूलुल्लाह ने चेहरा फेर दिया तो हमारा क्या बनेगा, हम तो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मुझे जरूरत नहीं थी, बड़ी लकड़ी जिंदगी गुजारता था, हाँ बलादरी लेवल में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े घराने से तल्लक है मेरा, औलिया इकराम की नस्ल से हूँ, काम वैसे है ही ये, और बड़े बड़े जब दुनियादार ये मौलवी काम नहीं करते हैं ना, ये दरबारी मुल्ले हैं, तो फिर रब मुझ जैसे गुनहगार निकम्मे से अपने दीन का काम ले लेता है, ये चुनौती है। मालक काम लेने पे आए तो अनपढ़ गाजी इल्म दीन से ले ले, बड़े बड़े पीर झुबे कुबे के बैठे ने उन्हें मालक इल्म दीन से काम ले लेते हैं, मालक काम लेने पे आए तो मुमताज कादरी से काम ले लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी किसी को शक नहीं होना चाहिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बावकार घराने से और बस्ती बाग में एक बड़े नवाबाना घराने से मेरा तल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, कब्र में हमने रसूलुल्लाह का मुंह दिखाना है, रोजे महशर आप सब में से कौन कौन है जो पीपल्स पार्टी की क्यादत के साथ उठेगा, हाथ खड़ा करें, नॉन लीग के साथ, पीटीआई के साथ कोई भी नहीं है, खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह के साथ कौन खड़ा होगा? अच्छा मैं जिधर जाता हूँ हर बंदा, इन्होंने रफाकत भाई ने बताया कि आज मैंने कहा कितनी बड़ी गफलत है, आप खुद मान रहे हैं कि ये सच्चे नहीं है, और आप तो हक रख रहे हैं रोजे मैशर कि हम वोट इनको देके उधर खड़े, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कि हम
قیامت میں اگر مان گیا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تاجدار ختم نبوت زندہ باد 25 تاریخ کو ہم نے کرین پہ مور لگانی ہے اور کرین کا بھی مقصد ہماری قیادت نے بڑا سوچ سمجھ کے رکھا ہے مجھے قائدین نے بتایا ہے کہ یہ جو 72-70 سالوں سے یہ گند ہے اس گند کو ہم نے کرین کے ذریعے اٹھانا ہے اٹھا کے انشاءاللہ سمندر میں غرق کرنا ہے انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک صدام صاحب کا فل سپورٹ کریں شرقی علیو فل سپورٹ کرو انشاءاللہ اے تو صدام صاحب کی ووٹ نہیں دینے ہو نبی علیہ السلام نہیں ناموز ہوتا ہے صحابہ نہیں ناموز ہوتا ہے ووٹ دینے ہو انشاءاللہ اتھے بھی کام آسان ہے تسی علیہ کے دوبارہ اپنی عزتہ دیکھے ہو انہیں درباری ملے نے میں درباری ملے کچھ میں نے کہا اے چھبی آنے دے انشاءاللہ میں ایک سیٹ سے تو کھڑا سے ایک سیٹ دے گناہ گا ریش دیکھیں کہ نہیں سیٹ اوپر آجے انشاءاللہ تو اے گلہ میں دانسا سے کہ آج لے ان کی بنا آئی ٹائم ہے کال نہیں مننے آج کال سڑی تربیہ دی جانسے انشاءاللہ وہاں آلائینا کلال پلال تم سودے کرنے آئے ہو قبلہ بابا جی کے قبلہ شاہ صاحب کے سودے کرنے آئے ہو ان غلاموں کا ایک بالی خرید سکے الحمدللہ انشاءاللہ حضور کے غلام آج بھی کھڑے ہیں اور صبح قیامت تک اسی طرح کھڑے رہیں گے انشاءاللہ ہم کل بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں صبح قیامت تک کھڑے رہیں گے اور آخری بات میں کہا ہے جو ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ تحریک لبیک پہ پابندی کسی کی اپنی ضرورت نہیں ہے وہ قبلہ جو ہوا اس تحریک پہ پابندی لگا دے اتنی کسی کی ضرورت نہیں ہے اس تحریک پہ پابندی لگا دے پابندی کے جو لگانے والے ہیں سب سے پہلے اس پابندی کے ذمہ خود آئے الحمدللہ ہم پہ پابندی کوئی نہیں لگا سکتا ایک جماعت دوسری جماعت پہ پابندی نہیں لگا سکتی پابندی تو الیکشن کمیشن لگاتا ہے یا یہ پابندی سپریم کورٹ لگاتا ہے الحمدللہ ہماری جماعت سپریم کورٹ سے بھی کہا وہ کلیئر ہے اور الیکشن کمیشن سے بھی کلیئر ہے اس لیے کسی کے ان باتوں میں مت آنا اس میڈیا کے ان جھوٹوں کی باتوں میں کبھی مت آنا آپ کھڑے رہیں جس طرح حضور کے غلام پہلے کھڑے تھے اسی طرح انشاءاللہ کھڑے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل بھی کامیابی نے ہمارے قدم چومے تھے اور انشاءاللہ العزیز 25 تاریخ کو سورج یہ دیکھے گا کہ یہ کشمیر کل بھی مصطفیٰ کے غلاموں کا تھا یہ کشمیر آج بھی مصطفیٰ کے غلاموں کا ہے وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پورا اعتماد الحمدللہ آپ لوگوں کے آپ لوگوں پہ کہ آپ انشاءاللہ العزیز 25 تاریخ کو یہ ثابت کریں گے کہ یہ کشمیر کل بھی مصطفیٰ کے غلاموں کا تھا یہ کشمیر آج بھی مصطفیٰ کے غلاموں کا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اللہ العزیز اور ہر پرست دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے منزل تیری قبر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے کسی کام کے نہیں ہے محلوں میں رہنے والے مٹی میں سو رہے ہیں مٹی میں سو رہے ہیں اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے منزل تیری قبر ہے خدا کی قسم میں آپ کا ہمدرد ہوں مجھے کوئی لالچ نہیں آپ کو آپ سے رسول اللہ کے دین کے لیے ووٹ دیں نبی علیہ السلام کے دین کے لیے ووٹ دیں خدا کی قسم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ سارے نبی علیہ السلام کے جھنڈے میں روز محشر اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کریں میرے ساتھ انشاءاللہ ان کو نہیں دینا ہے ووٹ اگر کسی نے وعدہ کیا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کے ناموں سے بڑھ کر کوئی وعدہ نہیں توڑ دو وعدہ اگر کسی نے قسم اٹھائی ہے قسم کا کفارہ مفتی صاحب سے پوچھ کے کفارہ دے کے ان ظالموں کو ووٹ نہیں دینا ہم نے انشاءاللہ میں آپ کا ہمدرد ہوں مجھے یقین ہے کھڑے ہو جاؤ ٹوپی والے
अटालिया जो इतने टिक्के नारे लाओगे मतलब यार जगह अली गवाही दे इंशाल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। मेरे हिताई काबिले इत्राम अल्लामा ज़रीफ साकी साहब, अल्लामा नुमान साहब और फर्दन फर्दन जितने उलमाए कराम हैं, क्योंकि हमें बाबा जी बता गए हैं कि हमारा जो मेन तारफ है उनके पाक रसूलुल्लाह दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं खुशकिस्मत हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इधर किसी पार्टी को पीपल्स पार्टी का टिकट मिला है, किसी को नून लीग का, किसी को पीटीआई का, किसी को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टी का टिकट मिला है। और किसी की दौड़ गाजियाबाद, किसी की लाड़काना, किसी की बन्नी गाला, किसी की राइवेट, हमारी दौड़ अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ था और हम सब की दौड़ मदीना शरीफ था। और हमारा मुकाबला कुफर से है, हमारा मुकाबला कुफर और ये जो मसलत करा था इन पार्टियों के कायदीन है उनसे है, जो यहूद और नसारा के मसलत करा था लोग हैं। आप नहीं समझना पीटीआई वाले हो, नून लीग वाले हो, सारे सारे मुसलमान सुन्नी भरा ने मोरा बड़े अच्छे लग रही है, आराम ना जंग टूटना, जो टाइम लगना नक मुंह जड़ा ना सिखाना। बाकी आप ये ना सोचना कि हम ये बैठे हुए हैं, टाइम भी लगेगा, हमारे साथ आएंगे इंशाल्लाह, इनको ले आएंगे। आप ये देखें कि हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जो बना तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे है। आप इंसाफ करें, अपने दिलों में सोचें कि हमें इधर नबी अलैहि सलाम की मिलाद बनाना है तो हमें डीसी से इजाजत लेनी होगी। बना ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे है, सलामों से सहाबा कॉन्फ्रेंस करनी है तो हमें डीसी और एसपी से इजाजत चाहिए। कैसे मुल्क में रह रहे हैं, ये हमारे गुलामाना सोच, इन हुक्मरानों ने इधर मजीद पालसी रखे हुए ठेकेदार जो आजकल आपको वीडियो पे फिरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे काटे 26 के बाद चोटे के पीछे मुंह छुपाते हुए भागेंगे ये। हमने इन पालसियों का जिस दिन अपने माशरे से खात्मा कर दिया, खुदा की कसम आप और हम सब सीधे लोग हैं, हम तो नबी अलैहि सलाम की उससे मोहब्बत करने वाले दीनदार लोग हैं। ये पालसी जैन शादी करता है प्री प्लान, हर 5 साल के बाद आप में आ जाता है नार मोदे बंजाल दे बड़ा जहला भी था, बड़ा तगड़ा जहला, सारी जिंदगी झूठ माने
ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਚਾਰ ਵੋਟ ਐਵੇਂ ਦੁਆ ਕਰੀ ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਵਾਸਤਾ ਲਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਟਾਪ ਨਾ ਝੂਠਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਹਮਾਰੀ जितना बड़ा फ्रॉडिया इतना बड़ा और मुझे एक बंदा कहता है जी के ओ, कुछ बात कर रहा था मैं वो गल सुन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बेहतर है नबी अलैहिस्सलाम के आशिक है बिल्कुल जाने वो जरदारी 5 साल हुकूमत की थी बस ये सब तो बड़ा डाकू सत्र पाकिस्तान बन के चला गया हम तो मोहम्मद अरबी का गुलाम है कमाल करते हो भाई हमें तो बता रहे हो तुम सियासत ये मदीने की रियासत अले झूठे 50 लाख कर दूंगा 1 करोड़ नौकरियां दूंगा आपको अल्फन कह रहा हूँ 2.5 साल तक मैं भी इसके बारे में सोच रहा मैं शायद कहीं बड़ा नहीं करने दे रहा झूठा कच्चा मैं कसम उठाता हूँ आपको दुआ बना के कहता हूँ 2.5 साल तक मैं भी सोचता रहा शायद इसकी टांगे खींच रहे काम नहीं कर इसके इधर भी कादियानी है इधर भी कादियानी हजरत जो कुत्तू को पास लेटाता है उसको उसका जहन कैसा होगा हम इस क़यादत के खिलाफ हैं पीटीआई वाले हमारे भाई हैं हमारा उनसे कोई बिल्कुल हमारा उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है या उनसे हमारी मुखालफत नहीं है हमारी इनकी क़यादतों से मुखालफत है नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है जिसका मफ़हूम है अल कलमा गो मुसलमान की मिसाल उस ऊंट की तरह है जिसकी निकेल उसके मालिक के हाथ में होती है आप मुझे बताएं कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनकी निकेलें यहूदन नसारा के हाथ में है या अल्लाह और उसके रसूल के हाथ में है यहूदन नसारा के हाथ में है और फिर आप इनसे तवक्को रखते हैं हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ प्री प्लान ये हमें तैयार करते हैं प्रोडक्ट हैं इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड में तैयार होती है और हमारी सादा लोग बेवकूफ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं आजकल मलाला फिटे मुंह वाली तैयार हो रही है प्रोडक्ट तैयार हो या प्री प्लान उसको गोरे तैयार कर रहे हैं कि मुस्तकबिल की प्राइम मिनिस्टर इनको बनाएंगे हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ उसका फोटो लगाया हुआ है ये अगर हम ना चैच हुए तो ये 70-72 साल से ना हमारे टूटी खम्भे पूरे हुए ना अगले 70-72 सालों में पूरे होंगे कब्र में हमने नबी अलैहिस्सलाम को चेहरा दिखाना है ना कि इन झूठू कज़ाबों को कुलू अल्लाह नहीं आती वोट देते हम फिरौनी काकतू को और दौर मांगते हम हजरत उमर फारूक का ऐसा हो सकता है आप अल्लाह को आजम नाज जान के बताए तो पीपल्स पार्टी वाला बैठ जाना मैं कि दस के जुल्फकार अली भुट्टो के मिशन पे ये उसकी पार्टी है वो बड़ा आदमी उसने जो काम बड़ा किया हम सलाम करते हैं उसने आईने पाकिस्तान दिया कादियानी मुर्तद काने दजाल को उसने काफिर करार दिया सलाम है हमारा उसको लेकिन ये क्या था ये जो उसका ये लीडर है देखे उससे बड़े बड़े लोग थे कह रहे कश्मीर का मसला हम 1000 साल तक लड़ेंगे कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे वजह भाई तुम्हारे बाप का है कश्मीर हम तो उसका फिल फोर हल चाहते हैं तुम्हारे नाना ने कोई ऐसा शिमला मायदे में 1000 साल का एग्रीमेंट तो नहीं किया हुआ है 1000 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम 1000 साल तक अपने भाइयों को देखते रहेंगे कि भाई हम 1000 साल के बाद आपको छोड़ाएंगे और दूसरा ये मदीना की रियासत अल्लाह इसने तो हमें दीवानी केस में लगा लिया घबराना नहीं मैंने आपको मुतादे में तकरीर करनी है घबराना नहीं सारे हम मारी छोड़ सही यानी ये जमीन रह गए हंसने की बात नहीं है बाबा जी कहते होते थे ये रोने का मुकाम है खुदा की कसम अगर ये हमने अपने जहन ना चेंज की अपनी जहन साजी ना चेंज की तो हमारी नस्लें हमें गालियां देंगी अभी हम में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किधर से आएंगे मोहम्मद बिन कासिम किधर से आएंगे इसलिए मेरे भाइयों गैल टोपी गए गैल छपड़िया ने अटाले ने सारे कमाल लोग हो तुम बा खुदा हम तो हमारी पार्टी का मेन नजरिया ये भी है कि हमने इस जो बिरादरी इज्म का ना इसका कला काम करना है बिल्कुल खत्म करना है हमारी बिरादरी नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की बिरादरी ये जो बिरादरी इज्म असली पे बिरादरी इज्म ना करें ना नाकम हो के पॉलिसीयां सारी मेंटली ज़हनी कैपेसिटी ना बनाए इनना दाल दलिया पेट ना डिजर्व चला जाना इन सारे पॉलिसीयां मैं अटाला गया हूँ कल खुदा की कसम इन नार्वे की मैं यहाँ जरी स्पूट कर रहा है मड़े किले जी हैं जो खुदा की कसम बस कमाल कर गए यो मैं तो है इतना बिरादरी जो ना नहीं सब आशिक रसूल भाई सब नबी अलैहिस्सलाम ने आशिक ऐसा इस्तेकबाल इन्होंने किया अल्लाह हु अकबर सब इंशाअल्लाह बारगाह रसूल बारगाह रिसालत में कबूल हो गए होंगे मुझे पूरा ये तो
आप भी बड़े बागैरत लोग हैं, इन इनफ्राडियों के झांसे में ना आए। देखें 20-30 साल पीछे चले जाए, इनकी हिस्ट्री देखें, कंगले हजार हजार में मंगी दुकानदारे बोला इनसे साढ़े लीटर आई अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनी है। हम सरदार हैं, हम चौधरी हैं, क्या सरदारी है भाई? जेलने की कदर कोई नहीं कर रहा है, कहा भी नहीं पाने नहीं है, हम नारे लगाते हैं ना। मैं आप मेरे साथ चलेंगे ना, अगर मेरे साथ जा रहे हैं मैं कहूंगा ये हमारे हजरत साहब हैं, बड़े आशिक रसूल हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। अगर कोई जहला उसी ना, वो पहले से बड़ा तल्लक कहरा बना सी, कोई बड़ी की आदत सी थी उसने, हाँ बहुत अच्छे नारे मारता है, बहुत अच्छा जहला है, तारफ ऐसे होते हैं अहमद कल है, बहुत सुना तारफ होना, तो क्या आदत के सामने आपको वो सामने कभी नहीं ले आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को ले आना है, आपको मुझे नहीं ले आएंगे। हजरत मैं 2002 में रूना से पिंडी वाल साहब में जरा पूछ रहा हूँ क्यों रूना है, मैं हजी आ रही उन्हें महात्वाड़ी जिंदा प्यो जिंदा तू क्यों रूना है, खुदा की कसम करता हूँ मैं आपको। तो ये मदीने की रियासत अल-कज़्ज़ाब झूठा, इसने तो ऐसा कानून 10 दिन पहले पास किया, सुनो पीटीआई ने वोट देने वाले हो गवर्नर सुने हो, कि इसने ये कानून पास किया आपकी मेरी माँ बहन बीवी बेटी सारे आप किसी गैर मरम को घर पे ले आती है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये मदीने की रियासत है, वोट दो इनको और ये मदीने की रियासत है। हमारे सामने हमारी बहन किसी गैर मरम के साथ जा रही है, पुलिस में जाओगे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा होगा, ये मदीने की रियासत है। खुदा के लिए हम ये चाहते हैं कि हम सब जन्नत में जाएं, इनके साथ ना जाएं कज़्ज़ाबों के साथ। कई लोग कहते हैं जी इधर ये मेरे बारे में कोई प्रोपेगंडा कर रहे हैं कि इसके भाई पीटीआई में चले गए हैं। और भाई जिस दिन मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी हुई थी ना, मैंने उस दिन हल्फ लिया था उधर स्टेज पे कि इसमें जितनी तहरीकें शामिल है, फांसी तो नून लीग के दौर में हुई, मैंने कहा पीटीआई भी उसी तरह गुनाह में शरीक है, नून लीग भी उसी तरह शरीक है। मैंने कहा आजाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, इधर आए तो आजाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी इताअत कर लिया, मैंने कहा ये भी जुर्म में शामिल है। 50 साल से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, झूठ मूठ के नारे लगाती रही, वो भी इसीलिए जिल्लत और रुस्वा। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس मौला करीम तेरी पाक कलाम की तिलावत की गई इसे अपने जनाब में कबूल और मंजूर फरमा। इस कलाम के सदक़े से मौला करीम इस कब्रस्तान के अंदर जितने भी मर्द मज़ान मदफून हैं, मौला करीम खुसूसन बिलखुसूस साहिब मिजार पीर सैयद वहाबुद्दीन गिलानी मौला करीम इनके सदक़े से मौला करीम हम सब के हाल के ऊपर करम फरमा। मौला करीम इन भाइयों ने यहाँ पे हाजिरी दिया, इनके सदक़े से मौला करीम हम तेरे पाक महबूब का नाम लेने वाले हैं। मौला करीम हमारी इस जो है तहरीक को मौला करीम तकवीत अता फरमा, मौला करीम तू हमारी मदद फरमा, मौला करीम हुजूर का नाम लेने वाले मौला करीम की हिफाजत फरमा। मौला करीम हम कोशिश कर रहे हैं, मौला करीम मदद तेरी तरफ से होगी, मौला करीम हमारी इसके अंदर तेरी मदद शामिल हाल फरमा। मौला करीम ये भाई मौला करीम इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, या रसूलल्लाह का नाम लेने वाले हैं, मौला करीम तेरे पाक महबूब के आशिक हैं, मौला करीम हम उसकी आल में से, मौला करीम हमारी दुआएं इनके हक में कबूल और मंजूर फरमा और इनको कामयाबी अता फरमा। मौला करीम जितने भी लोग हैं मौला करीम तू उन्हें शौर अता फरमा, ताकि मौला करीम इस तहरीक का मकसद समझ के मौला करीम तू उनके दिलों को मुसफ़र फरमा। मौला करीम फिर दुआ करते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफज फरमा, जो खत्ता आज़ाद कश्मीर का है मौला करीम इसके अंदर भी इस्लाम का बोलबाला फरमा। मौला करीम जहाँ कहीं भी तेरे पाक नबी के खिलाफ उस मौला करीम वो कुत्ते गुस्ताखी कर रहे हैं, मौला करीम
हमें तो वो कुव्वत वो ताकत अता फरमा जो तेरा मौला करीम साहबाए कराम के अंदर थी, जो इमाम हुसैन और इमाम हसन तेरे पाक नबी की आल में थी। मौला करीम एक तरफ पूरा लश्कर 313 साहबाए कराम, मौला करीम तू भी हमारी मदद फरमा, हमें वो ईमान अता फरमा जो हुजूर के नाम पे मर मिटने के लिए मौला करीम हम सब तैयार हो जाएं। मौला करीम हमारी जानें, हमारा माल, हमारी वतन, हमारा घर बार सब कुछ तेरे पाक महबूब के लिए कुर्बान है। मौला करीम तू हमें मौला करीम इसके ऊपर इस्तकामत अता फरमा और इसी ईमान के साथ मौला करीम हमारा खात्मा फरमा। इस दुनिया के अंदर से जो मौला करीम जिस दुनिया से उठ जाने का वक्त हो, मौला करीम हमारी जुबानों पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के सदके से मौला करीम अपने पाक महबूब के सदके से ये जो नाम लिखे हुए हैं तेरे नेक बंदे हैं, तेरे मौला करीम ये वो बंदे थे जिनके ऊपर तेरी रहमत थी। इन रहमतुल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन, तेरा कुरान फरमा रहा है कि अल्लाह के जो मुहसिन बंदे हैं, नेक बंदे हैं, उनके करीब होती है रहमत। हम उस रहमत के करीब आए मौला करीम, उस रहमत कामला के सदके से हमारी इस दुआ को कबूल फरमा, तुम्हारी इस तहरीक को मौला करीम मजबूत अता फरमा, तू गैब से मदद फरमा। मौला करीम तू अपने नेक बंदू के सदके से मौला करीम तू हमारी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा नसुरना फइन्नक खैरुन नासिरीन, अल्लाहुम्मा रब्बना या शाफिल अमराद इशफा अमरादिना, اللهم ربنا يا دافي البليات ادفع بليادنا، اللهم ربنا يا حل المشكلات حل مشكلاتنا، وصلى الله تعالى على خير الاخرت میں بھی زرد ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو آپ ایک بہترین کھیل دیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، سب توجہ سے سنیں، مجھے امید ہے سب سنیں گے۔ دورہ حاضر میں ہمارے بستی الکا باغ میں الیکشن کا دور دورہ ہے، ہر کوئی اپنے چکر میں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خالص دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہ لانے کا منشور ہے ہماری تحریک کا، محمد عربی کا دین تک پہ آئے گا انشاءاللہ، یہ ٹوٹی کھمے سڑکیں آپ کے گھروں میں دلیز پر پہنچے گی، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ سب جوان ہیں، میں بھی آپ کی طرح ہی ہوں جوان، کوئی میں سیاست دان نہیں تھا یا میری پیچھے کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، ایک فقیروں کی اولاد میں سے ہوں۔ الحمدللہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ 74 سالوں سے ہمیں بالکل ٹھگا جا رہا ہے، اسے سارے کی ٹھگا جا رہا ہے، بالکل خدا کی قسم ٹھگا جا رہا ہے۔ اپنے دلے اوپر ہاتھ رکھی، سوچو کہ 100 آدمی ہے، 100 آدمی ملے گران انہوں نے ایک پالسی اسی چیئر میں پورے ملے نام سارا حق و خاصی اور اس کا نوازہ جاسی، تو اسے ہنسے کی 74 سال ہوئی ہے نہ ٹوٹی کھمے پورے ہوئے گا نہ اگلے 74 سال انہیں لینے، تو خدا کی قسم ہم نے مرنا ہے، کلو نفس ذائقہ الموت ہم نے مرنا ہے، بارگاہ رسالت میں پیش ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ انور دکھانا ہے۔ فرانس ہمارے آقا ہے، دو جہاں کے گستاخ نے کھا کے بنا کے ہمارے دلوں کو چھلی کر رہا ہے اور ہم چپ بیٹھے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ کوئی پارٹیاں آتی ہیں 295C ناموس رسالت کا قانون ختم کرتی ہیں، اس پہ پوری توجہ دیتی ہیں، پوری قادیانیت مسلط ہوئی ہے، یہ آپ نے اٹھنا ہے۔ اور کوئی پارٹی آتی ہے 29 فروری کو ممتاز حسین قادری کو پھانسی پہ لگا لیتی ہے، اور کوئی آتی ہے فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے کہا تو ہمارے 27 نوجوان شہید کر دیئے گولیوں سے، چھلی کر دیا ان کو، وہ بھی آپ ہی کی طرح تھے، وہ بھی کسی کے بھائی تھے، کسی کے بیٹے تھے، کسی کا باپ تھا۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بلہ، یہ ٹوٹی، یہ کھمبا، یہ نک، یہ منہ خدا کی قسم آپ کے کام نہیں آنا، ہم نے مرنا ہے بارگاہ رسالت میں، بارگاہ رسالت میں ہم یہ ٹیڑے منہ لے کے جائیں گے
कि या रसूल अल्लाह सारी जिंदगी नमाजें हमने पढ़ी अपने लिए पढ़ी, कोई एहसान नहीं किया, रोजे रखे अपने लिए रखे, हज किया अपने लिए किया, कोठियां बनाई अपने लिए बनाई, हमने जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा उसकी नामोश के लिए हमने क्या किया, अपने गिरेबानों में जाके सारे अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि हमने आकाए दो जहां की नामोश के लिए क्या किया। जिस खबीस को दिल करता है मेरे आका की शान में गुस्ताखी करता है, हम बैठे हैं मुंह से मजम्मत कर ली, अपने मुल्क को सेकुलर बनाने का निजाम बना रहे हैं, लिबरल बना रहे हैं, जो तो नसारा हमारे इन हुक्मरानों के ऊपर मसलत है। मेरे आका नबी आहोजमा मोहम्मद अरबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हर कलमों को मुसलमान की मसाल उस ऊंट की तरह है जिसकी निकेल उसके मालक के हाथ में होती है। हमारे हुक्मरानों की निकेले यो तो नुसारा के हाथ में है या अल्लाह और उसके रसूल के हाथ में है, आप खुद फैसला करें हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, हम कब सुधरेंगे, कब्र में जाना है। मैं आपको पैगाम देने के लिए आया हूँ, मैं आपको ये पैगाम देने के लिए आया हूँ कि रोज़े महशर बारगाह रिसालत में जब आप लोग पेश होंगे, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास रसूलुल्लाह आपकी नामोश के लिए ये जवान आया नहीं था। मैं कहूंगा या रसूलुल्लाह इन सब नौजवानों के पास में गया था, रब्बे काबा की कसम उधर की शर्मिंदगी तबाह बर्बाद कर देगी, हम तो एक आग का छींटा भी बर्दाश्त कर देते, जन्नत की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, ये बिरादरी कोई बिरादरी नहीं है, हमारी बिरादरी मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत की बिरादरी है। जिसने आकाए दो जहां से मोहब्बत की वो दुनिया में भी सुरखरू है, आखिरत में भी सुरखरू है। आपने क्या फरीजा अदा की है, मजम्मत करते ये दहशत करते, क्या दहशत है आका के नाम पे। मेरे आका ने फरमाया जो क्यामत तक मेरे बारे में गुस्ताही करे काट के रख दो, मन सब पर नबी है, काट के रख दो उसको। हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, आप बैठे कोई किसी पीपल्स पार्टी के साथ, कोई पीटीआई के साथ, कोई नॉन लीग के साथ, खुदा की कसम बकवास है ये। मैंने अपनी सारी जिंदगी जेला भी नहीं की, कुछ भी नहीं मिलता मुझसे पहला बड़ा जेला आपने देखा ही नहीं होगा, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, मैं तो मोहम्मद अरबी का अदना गुलाम हूँ, अदना कुत्ता हूँ मैं उनका। आप अपने गिरेबानों में जाके किस टाइम वोट देने के लिए जाएंगे, सोचना कि ये बंदा आया था जवान हमारा भाई, मैं बड़ी लग्जरी जिंदगी गुजारता था, खुदा की कसम रोना रोता था मैं जब गुस्ताखाना खाके बनते थे, क्या शक्ल हमारी, किस तरह हम आपको मुंह दिखाएंगे। जवाना बेदार हो जाओ, जिस टाइम वोट दोगे तो आप जहन में रखना कि कोई आया था पीटीआई वाला रियासत मदीना के नारे लगाने वाला, कोई आया था पीपल्स पार्टी वाला, कोई नॉन लीग वाला, कोई मुमताज कादरी को फांसी देने वाला, कोई 294 सीख खत्म करने वाला, एक आया था मोहम्मद अरबी का दीन बताने वाला। जिस दिन मोहम्मद अरबी का दीन तख्त में आएगा खुदा की कसम आपके मसले हल होंगे, ये यहूदियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा वोट जाएगा, इस बाड़ी में भी, इस बाड़ी में भी आज के रसूल मौजूद है। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स मैन का शुक्रिया, और हम आपको यकीन दिलाते हैं सरदार नसीर भैया साहब जिंदाबाद। मेरे मकसद मेहमान को
कामयाब विशेष कामयाब विशेष
जमात है मजहब की बुनियाद पे और जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर ये भी एक मजहबी जमात है। आज़ाद कश्मीर में सियासत में मैदान अमल में जी हमारा किसी जमात से कोई एतराज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। हमारा मकसद सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पे लाना है। ये जमातें काफ़ी अरसे से आवाम देख रही है इनको, इनकी क्या क्राइटेरिया है, क्या कर रही है, असम्बली में बैठी हुई है। हमारा इनसे कोई एतराज़ नहीं है, किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। हमारा मकसद सिर्फ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पे लाना है। जी हमारा जी ये मंसूर है कि हर आदमी के पास हम जाएंगे रोजे मैशर बारगाह रसालत में जब आवाम पेश होगी, दुनिया पेश होगी। पहुँचाया सरकार के कदमों में अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में सद शुक्र में फिर आया सरकार के कदमों में सद शुक्र में फिर आया सरकार के कदमों में कुछ देर सलामी को ठहराया मुआजे पर कुछ देर सलामी को ठहराया मुआजे पर फिर मुझको अदब लाया सरकार के कदमों में फिर मुझको अदब लाया सरकार के कदमों में रद कैसे बला होगी अब कोई दुआ मेरी रद कैसे बला होगी अब कोई दुआ मेरी मैं रब को पुकाराया सरकार के कदमों में मेरा रब को पुकाराया सरकार के कदमों में अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में हर साल सलामी को सरकार तलब कीजिए हर साल सलामी को सरकार तलब कीजिए ये अर्ज भी कर आया सरकार के कदमों में ये अर्ज भी कर आया सरकार के कदमों में कुछ लम्हे हुजूरी पाए तो ये लगता है कुछ लम्हे हुजूरी के पाए तो ये लगता है
एक उम्र गुजाराया सरकार के कदमों में, एक उम्र गुजाराया सरकार के कदमों में, अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में। कुछ कहने से पहले ही पूरी हुई हर ख्वाहिश, कुछ कहने से पहले ही पूरी हुई हर ख्वाहिश, जो सोचा सोचा वही पाया सरकार के कदमों में, जो सोचा सोचा वही पाया सरकार के कदमों में, अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में। सद शुक्र में फिर आया सरकार के कदमों में। मुझको भी मुहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मुहम्मद का दीवाना बना। ज़मीनों ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनों ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए,
हम आए यहाँ तुम्हारे जो ये निजाम हस्ती चला रहा है वही हुदा है वही हुदा है वही हुदा है कोई तो है जो नज़ामे हस्ती चला रहा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है जो रात का दिन और दिन को अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में सद शुक्र में फिर आया सरकार के कदमों में सद शुक्र में फिर आया सरकार के कदमों में कुछ देर सलामी को ठहराया मुआजे पर कुछ देर सलामी को चला रहा है वही हुदा है वही हुदा है वही हुदा है कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे ससुराल है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में तुम सदा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई जैसे मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार ऐसा नजर देख मगर देख अदब से
नजर नजर देख मगर देख बसे सरकार जलवा है तमाशा नहीं सरकार का जलवा है तमाशा नहीं जैसे सरकार ऐसा नहीं हासिल है तो हासिल है जमीन को एजाज ये हासिल है तो हासिल है जमीन को अफलाक तो मदद हजरान अफलाक तो मदद हजरान जैसे मेरे सरकार ने ऐसा सरकार रहमत मगर नवाजा सरकार रहमत मगर नवाजा ये सच है खालिद सा नमाई सच है खालिद जैसे सरकार अब मेरी गांव में जचाई करा सरकार के
ये निजाम चल रहा है मेरी जिंदगी
तुझसे कोई याद हसरत सरेआम चल रहा है जो ये सैल हसरत सरेआम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है तेरा तेरे दिल से खुशरवी पर मेरा तड़प रहा है जीवन तेरे लुत्फ से खुशरवी पर मेरा तड़प रहा है जीवन मेरे रे दिन दिन गुजर गुजर रहे हैं मेरा काम चल रहा है मेरे दिन दिन गुजर रहे हैं मेरा काम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे तेरी मोहर मोहर क्या लगी तुम्हारे लिए मकीनों मकान तुम्हारे लिए जमीनों जमां तुम्हारे लिए मकीनों मकान तुम्हारे लिए चुनिनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए हम आए यहां तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए हम आए यहां तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में सद शुक्र में फिर आया सरकार के कदमों में सद शुक्र में फिर आया सरकार के कदमों में कुछ देर सलामी को ठहराया मुआजे पर कुछ देर सलामी को ठहराया मुआजे पर फिर मुझको अदब लाया सरकार के कदमों में फिर मुझको अदब लाया सरकार के कदमों में रद कैसे बला होगी अब कोई दुआ मेरी रद कैसे बला होगी अब कोई दुआ मेरी
रब को पुकार आया सरकार के कदमों में, मैं रब को पुकार आया सरकार के कदमों में। हर साल सलामी को सरकार तलब कीजिए, हर साल सलामी को सरकार तलब कीजिए। ये अर्ज भी कर आया सरकार के कदमों में, ये अर्ज भी कर आया सरकार के कदमों में। हर साल सलामी को सरकार तलब कीजिए, ये अर्ज भी कर आया सरकार के कदमों में। कुछ लम्हे हुजूरी के आए तो लगता है एक उम्र गुजार आया सरकार के कदमों में, एक उम्र गुजार आया सरकार के कदमों में। कुछ कहने से पहले ही पूरी हुई हर ख्वाहिश, जो सोचा वही पाया सरकार के कदमों में, जो सोचा वही पाया सरकार के कदमों में। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। इस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम
चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे नहीं अर्शो फर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे तय खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे वो तेरी अता के तेवर वो हुजूम गर्द कौसर वो तेरी अता के तेवर वो हुजूम गर्द कौसर कहीं शोर में कशा है कहीं जाम चल रहा है कहीं शोर में कशा है कहीं जाम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे किसी वक्त या मुहम्मद की सदा को मैं ना भूला किसी वक्त या मुहम्मद की सदा को मैं न भूला दम नज़हबी ज़बां पर ये कलाम चल रहा है दम नज़हबी ज़बां पर ये कलाम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे कोई याद आ रहा है मेरे दिल को आज शायद जो ये सैल इश्क हसरत सरेआम चल रहा है जो ये सैल इश्क हसरत सरेआम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है तेरा आस्ता सलामत तेरे लुत्फ खुसरवी पर मेरा कट रहा है जीवन तेरे
लुत्फ खुश रवि पर मेरा कट रहा है जीवन, मेरे दिन गुजर रहे हैं, मेरा काम चल रहा है, मेरे दिन गुजर रहे हैं, मेरा काम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे तेरी मोहर क्या लगी के, कोई हुनर न होते तेरी मोहर क्या लगी के, कोई हुनर न होते मेरी शायरी का सिक्का सरेआम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, तेरे साये करम में ये गलाम चल रहा है, तेरा साये करम में ये गलाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, नेक कब मेरे अल्लाह बनूंगा या रब, नेक कब मेरे अल्लाह बनूंगा या रब, कब गुनाहों के मर्ज से मैं शिफा पाऊंगा, कब गुनाहों के मर्ज से मैं शिफा पाऊंगा, कब मैं बीमार मदी ने खबनूंगा या रब, कब मैं बीमार मदीने खबनूंगा या रब, नेक कब मेरे अल्लाह बनूंगा या रब, मेरे हुजूर सा खुद को तू बोलने वाले, मेरे हुजूर सा
खुद को तो बोलने वाले तो आपकी जात के बारे में जानता क्या है, यही तो काबे का काबा है, देखता क्या है। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, सुनने की जो कुवत मुझे बख्शी है खुदावन, सुनने की जो कुवत मुझे बख्शी है खुदावन, सुनने की जो कुवत मुझे बख्शी है खुदावन, फिर मस्जिद नबवी की आजाने भी सुना दे, फिर मस्जिद नबवी की मुझे आजाने भी सुना दे।